ये फिजिक्स का क्वेश्चन क्लास ट्वेल्थ के लिए है और सी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए टॉपिक uh, है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इसके लिए याद रखिए कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर के लिए निकालना है तो आपको राइट हैंड रूल यूज करना है राइट right हैंड जो मेरा अंगूठा है दैट रिप्रजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट और ये जो मेरी फिंगर्स हैं राइट ये मेरी फिंगर्स जो लिपटी हुई हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को तो बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि लेफ्ट हैंड रूल यूज करें या राइट हैंड रूल मैगनेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर स्टेट वायर ये मेरा अंगूठा अपवर्ड अगर ये डाउनवर्ड्स हो जाए करंट तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे होगा आप करके देख सकते हैं इसको राइट दिस विल बिकम क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज है और ये मेरे आ, मेरी तरफ से अगर मैं देखता हूं दिस इज एंटी क्लॉकवाइज जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज तो ये जो उंगलियां हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है सर्कुलर तो अब न्यूमेरिकल पर चलते हैं और इसे सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन भी मैंने आपको इसलिए दिया है क्योंकि ये आपको टीच करेगा कि कैसे आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में सोचना है बहुत अच्छा क्वेश्चन है टू मार्कर फॉर सीबीएसई आइए चलते हैं ऑलराइट right, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं टू स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स आर फिक्स्ड इन स्पेस द करंट इन द करंट इन द लेफ्ट वायर इज टू एम्पियर तो ये टू एम्पियस है ये डायरेक्टेड आउटवर्ड है अगर ये डायरेक्टेड आउटवर्ड है तो ये जो थंब है इसको अपनी तरफ कर लीजिए आप राइट तो जो फिंगर्स हैं आपकी जो रैप हो रही हैं राइट वो देख लीजिए आप कैसे हो रही हैं एंटी क्लॉकवाइज राइट तो आपने थंब को अपनी तरफ करना है क्योंकि करंट इज टू एम्पियर करंट इज डायरेक्टेड आउटवर्ड और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है इसका उसको मैं सर्कुलर वायर में दिखा रहा हूं मैंने क्योंकि थम को अपनी अपने फेस की तरफ करा था तो मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस ओके? अब दूसरी वायर के बारे में बात करते हैं दूसरी वायर का करंट तीन एम्पियर है करंट ज्यादा है, बट द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग होगी क्योंकि पिछली बार हमने थम को अपने फेस की तरफ करा था अब हम थम को वी विल डायरेक्टेड टूवर्ड्स द इनसाइड द पेज अलग से करेंगे और आप डायरेक्शन देख सकते हैं रिवर्स हो गई है तो अब मैंने अपने थम को पेज के अंदर की तरफ कर दिया और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट अराउंड द मैंने थोड़े डिस्टेंस पे लिया बहुत सारी लाइंस होंगी मैंने एक छोटा सा सिर्फ डायरेक्शन के लिए लिया देखिए ये ये डायरेक्शन हो गई ओके okay? अब क्वेश्चन क्या है इन विच रीजन आर इज आर देर इज अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एट विच द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो ड्यू टू दीज करंट कैरिंग वायर्स राइट तो देखिये इसमें अगर देखें तो डिस्टेंसेस दिए नहीं हुए हैं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अवेलेबल नहीं है तो आपको खुद ही एनालिटिकली डिस्कस करना है कि कहां पे मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट विल बी जीरो अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की फॉर एग्जाम्पल राइट और ये छोटा करंट uh, है यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन राइट ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो फील्ड लाइन है उसके टेंजेंट मैंने ड्रॉ करी और मैं इधर की बात करूं अगर तो यहां भी तो रीजन टू में तो ये पक्का हो गया कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड रीजन टू में जो ए और बी के बीच में मान लीजिए द मैग्नेटिक फील्ड इज अपवर्ड अब बात करते हैं हम रीजन नंबर वन की रीजन नंबर वन में जो लेफ्ट वायर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड एंड इफ यू नोटिस ड्यू टू द थ्री एम्पियर करंट द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन तो यहां कैंसलेशन हो रही है और इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं देखिए ये वाला जो पॉइंट है अगर इस पॉइंट की मैं बात करूं इसका डिस्टेंस टू एम्पियर की वजह से छोटा है तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टू एम्पियर मे बी एक्स वैल्यू है एंड द डिस्टेंस विच इज मजर्ड फ्रॉम द कंडक्टर ये वाला जो डिस्टेंस है तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस तो मैग्नेटिक फील्ड टू एम्पियर विल भी हाई वो ज्यादा हो जाएगा उसकी वजह से अब हम बात करते हैं जो हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थ्री एम्पियर लिया दैट इज अपवर्ड राइट ये अपवर्ड है और ये टू एम्पियर वाला था राइट right? अब डिस्टेंस तो हमें सेम ही लेना है राइट right? अब ये वाला डिस्टेंस लेंगे हम ये वाला नाउ दिस डिस्टेंस इज वेरी लार्ज बट रिमेंबर द मे बी द डिस्टेंस इज वाई सो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थ्री ए इज एट अ डिस्टेंस ऑफ वाई ये डिस्टेंस है ओके okay? ये डिस्टेंस है बट देखिए थ्री एम्पियर की वैल्यू भी तो हाई है मैग्नेटिक फील्ड हाई है ड्यू टू थ्री एम्पियस और डिस्टेंस भी हाई है तो नेट इफेक्ट क्या होगा नेट इफेक्ट ये होगा कि भी हाई होने से डिस्टेंस ज्यादा हो जाने से वही बात हो जाएगी कि टू एम्पियर चाहे छोटा करंट है लेकिन डिस्टेंस छोटा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड उस वजह से बड़ा हो जाएगा बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट बड़ा करंट होगा तो बड़ा मैग्नेटिक फील्ड होगा लेकिन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस अगर डिस्टेंस छोटा होगा तो भी मैग्नेटिक फील्ड बड़ा हो जाएगा तो टू एमपीयर का मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट काफी हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस बहुत छोटा है राइट टू एमपीयर का मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट साइड पे रीजन वन में बड़ा हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस छोटा है चाहे उसका करंट छोटा है लेकिन डिस्टेंस छोटा हो जाने से वो बढ़ जाएगा हम बात करते हैं थ्री एम्पियर की थ्री एम्पियर का जो वैल्यू है बी उसकी वजह से बड़ा है लेकिन डिस्टेंस की वजह से छोटा हो जाएगा इसका मतलब अ गुड पॉसिबिलिटी कि रीजन वन में कैंसलेशन हो जाए राइट right? क्योंकि कुछ ना कुछ कॉम्पनसेटिंग फैक्टर है देखिए थ्री एम्पियर का डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो उसका जो करंट है वो छोटा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो छोटा हो गया रीजन वन में और टू एम्पियर करंट चाहे छोटा है लेकिन डिस्टेंस छोटा होने से रीजन वन में मैग्नेटिक फील्ड भी बड़ा हो गया अगर हम बात करें रीजन थ्री की रीजन थ्री में आप कोई पॉइंट ले लीजिए मान लीजिए ये वाला पॉइंट है यह थ्री एम्पियर के क्लोज भी है इट इज क्लोज थ्री एम्पियर बड़ा भी है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा काफी बड़ा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्वाइट हाई क्योंकि थ्री एम्पियर करंट भी बड़ा है और उसका जो डिस्टेंस है ये वाला दिस डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल तो ओवरऑल क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्डेस्ट कंपेयर टू टू एम्पियर बात कर रहा हूं रीजन थ्री के क्योंकि रीजन थ्री में अगर आप टू एम्पियर को देखें तो करंट तो बहुत छोटा है टू एम्पियर फिफ्टी परसेंट का फर्क है और डिस्टेंस ज्यादा है तो नेट क्या होगा बी टू तो ए विल बिकम वेरी स्मॉल तो रीजन थ्री में अनलाइकली है कि बी थ्री है विल कैंसल बी टू है क्योंकि बी टू है बहुत छोटा हो जाएगा ज्यादा डिस्टेंस छोटा करंट यहां पे बड़ा करंट और छोटा डिस्टेंस वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड तो कैंसिलेशन की संभावना नहीं है सिर्फ रीजन वन में ही संभावना है कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए तो आपको बोला कि जस्टिफाई ऑर आंसर तो देखिए मैंने कोई न्यूमेरिकली नहीं सॉल्व करा मैंने बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला ड्यू टू तो अ अटेट इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर राइट right? उसको यूज कर लिया उसमें बीस प्रोपोर्शनल टू आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर तो प्रोपोर्शनैलिटी की मदद से मैंने अपने आंसर को जस्टिफाई कर लिया माय आंसर इज रीजन वन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने की संभावना है क्योंकि रीजन वन में टू एम्पियर का डिस्टेंस छोटा है करंट छोटा होने के बावजूद भी बड़ा मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर लेगा और थ्री एम्पियर का डिस्टेंस बड़ा है करंट बड़ा है लेकिन डिस्टेंस बड़ा होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा तो कॉम्पनसेशन हो जाएगी और टू एम्पियर का मैग्नेटिक फील्ड और थ्री एम्पियर का मैग्नेटिक फील्ड रीजन वन में कैंसल हो सकता है रीजन थ्री में मैंने आपको समझा दिया तो आपको बोर्ड के पेपर में तीनों ही रीजन के बारे में लिखना है रीजन नंबर टू में क्या हो रहा है और रीजन नंबर थ्री में क्या हो रहा है आपको आंसर इस तरह से देना होता है कि एग्जामिनर जो है बिल्कुल डल है उसे कुछ भी नहीं आता स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपने माइंड में क्वेश्चन कर लिया और सिर्फ आंसर लिख दिया वो नहीं चलेगा आपको पूरी एक्सप्लेनेशन लिखनी पड़ेगी स्टेप बाय स्टेप और स्टेप नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे तो उम्मीद करता हूँ आपको न्यूमेरिकल समझ में आया और आप जो हैं अब कुछ और प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरी प्ले देख लीजिए आप मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट उसके अंदर इस तरह के बहुत सारे बढ़िया क्वेश्चन दिए हुए जो आपको सीबीएसई जेई मेन्स और नीट एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प कर देंगे मैग्नेटिक uh, फील्ड के क्वेश्चन सॉल्व करने में तो थैंक यू वेरी मच अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें थैंक यू वेरी मच